देख रहे हो एक रोड क्रॉस करने कितना टाइम लगता है इसको, देख रहे हो भाई। जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था, जिस रोड की बात कर रहा था, ये रहा वो रोड। और कितना प्यारा लग रहा है भाई। भाई बहुत मज़ा आया यहाँ पर। हमने कुछ रील्स भी शूट करे, तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम पे चेक करना। हमने मस्त मस्त फोटोज भी लिया और उनके साथ मेरे मस्त झगड़ा भी किया। पोस्ट को लेके आम मिला, अरे ऊपर पेड़ पे है आम, तोड़ उसको। काहे तोड़ू, इतना बड़ा पेड़ है, कैसे तोड़ू। अभी है यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। झगड़ेगा तो मैं तुझे लात मार दूंगी। अरे साले। गुड मॉर्निंग भाई लोग। सुबह हो चुके हैं हमारी, मतलब हो तो गई थी 7 बजे, लेकिन हम लोग उठे ही नहीं, बहुत आलस आ रहा था। सब लोग सोए पड़े अभी तक। आज जाने वाले थे हम लोग हरिहरेश्वर या फिर श्रीवर्धन, ऐसे 2 प्लेस डिसाइड कर रहे थे, लेकिन कैंसिल कर दिया। तो आज क्या प्लान है घूमने का? प्लान नहीं है, प्लान किया था, सब सोए गए घोड़े बेच के। तो किसी का मन ही नहीं था बाहर जाने का। अभी कुछ दूसरा प्लान करेंगे और फिर जाएंगे बाहर घूमने के लिए आसपास, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आसपास जाएंगे। और पहले नाश्ता करेंगे, भूखे। गर्दन किधर है तेरी? बहुत तंग कर रहा है मेरे को, भेज देगी वापस। मैं तुझे भेज देगा, समझे क्या? बाय बाय बाय। तू जा बाय। तो भाई इट्स 9:10 इन द मॉर्निंग और हम लोग चल रहे हैं अभी नाश्ता करने के लिए 5 बजे। फाइनली सब लोग उठ गए और रेडी हो चुके हैं। रेडी मतलब सिर्फ ब्रश वगैरह कराए और मुँह धोया और जा रहे नाश्ता करने के लिए। फिर आके नहाएंगे वगैरह और फिर जाएंगे कहीं घूमने के लिए। और हम लोग खाने जा रहे हैं मिसल। पता नहीं वहाँ पर जहाँ पर खाने जा रहे हैं ना, वहाँ पर 10 बजे तक ही रहती है और अभी 9:10 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो लेट्स सी हमें मिलती है कि नहीं मिलती, नहीं तो फिर हमें कुछ साउथ इंडियन फूड वगैरह खाना पड़ेगा। तो गाइज अभी मैं आपको मिला था उस स्कैमर से जिसने आज का प्लान कैंसिल किया है। हो रही है मैडम। नींद में उठ के बोला इसने कि नहीं जाना, कैंसिल करते, नींद आई है। और अभी पूछे अभी बोलती हम लोग गए क्यों नहीं सुबह। ये भी ठीक है। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं महाड सिटी में और यहाँ पर एक स्नैक्स का कॉर्नर कर स्नैक्स करके, तो वहाँ पर जाके अभी खाने वाले हम लोग मिसल। अभी कार थोड़ा दूर पार्क करने के लिए आए क्योंकि रोड सिंगल लेन है, इसलिए यहाँ पे कार पार्क करके अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। चले भाई, नाश्ता करके हो गया है, दबा के नाश्ता करा, मस्त से मिसल पाव खाया, पेट एकदम फुल हो गया। अभी जा रहे हैं हम लोग चाय पीने के लिए, चाय पी के जाएंगे हॉस्टल। दबा के खाया ना खाया, बड़ी शॉवर कड़ी सागर नहीं, वो तो खाते ही है, लेकिन मिसल पाव तो बहुत कम खाया साले। कितना मैंने 3 पाव खाया, 3 पाव मैंने 4 पाव खाया रहेगा, बोलते नहीं खाया दबा के। अभी जाएंगे चाय पी के होटल पर रिटर्न। लेट्स गो बॉयज। गर्ल्स टू देख रहे हो एक रोड क्रॉस करने कितना टाइम लगता है इसको, देख रहे हो। वो भी इतना छोटा सा हाईवे पर गई तो ये भाई गई। लेट्स गो बॉयज, टाइम टू गो। हाँ मस्त नाश्ता कर लिया। चले सर, एक काम कर, खोल लॉक कर, कट पे है फिर लॉक कर, फोन रख लिया बोली ना तो चार्जर। अरे कहना क्या चाहते हो। भाई दोपहर के 2 बज रहे हैं और घर का हाल देखो, हमने क्या बना रखा है। घर मतलब होटल का। अभी यहाँ से निकल रहे अपने 6 फीट गाय के पास, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए बुलाया था। तो वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं करूँगा क्योंकि मौसी वगैरह कैमरा फ्रेंडली नहीं है। फिर वहाँ से निकल के कहीं जाने का प्लान बनाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में भी। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना भाई। आज तो ना अम्मू मैडम एकदम हीरोइन बनी हुई है, आपको दिखा दो, इधर देखना अम्मू, देख रहे हो एकदम नागिन बनी हुई है। वैसे आपको ना इसमें से दिखाई नहीं देगा, अभी फ़ोन से करना पड़ेगा रिकॉर्ड। गर्म बहुत ज़्यादा है, गर्म ना धूप में खड़ी थी ना, इसलिए अभी ठीक हो जाएगी। आज मौसम की बात करूँ तो एकदम खुला खुला है, बिल्कुल भी काले बादल नहीं दिख रहे, बारिश नहीं हो रही है। और क्लाउड्स तो अभी भी है, क्लाउडी तो वेदर है, लेकिन काले बादल नहीं दिख रहे, एकदम मस्त सीनरी बनी हुई है। शेड्स तो देखो आसमान के, बहुत फ्रेश फ्रेश फील आ रहा है बाहर निकल के। बट धूप भी आज निकली हुई है, कल बिल्कुल धूप नहीं थी, आज थोड़ी मोड़ी धूप भी निकली हुई है। क्या हुआ? ओह ओह माय गॉड, इन्फ्लुएंजा। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं ऋषि के यहाँ से, ऋषि भी पीछे बैठ गया है और सेम प्लेस पर जाने का प्लान है जहाँ पर हम लोग दोनों लास्ट टाइम गए थे। लेकिन हम लोग अर्ली मॉर्निंग गए थे और अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा है, लाइक 4:30 हो रहा है। अभी इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं कुरला डैम पर और वहाँ पर जाके थोड़ा चिल करेंगे। बाकी सीन बहुत प्यारा है, क्लाउड्स बहुत सही लग रहे हैं, एकदम वाइट वाइट क्लाउड्स है। आज मतलब बारिश वाला माहौल नहीं है, हल्का हल्का धूप भी पड़ा हुआ है, तो सही है, सीन तो काफ़ी सही है। हम लोग तो मस्त खाना वगैरह खा लिया और निकल गए। उसी ने खाना वगैरह बहुत मस्त बना था, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ शूट नहीं करा। अभी हम लोग राजेवाड़ी पर और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट निकल रहे कुरला डैम के लिए। हम लोग जस्ट क्रॉस कर रहे थे, मेन रोड से ही क्रॉस कर रहे थे, लेकिन जाते जाते एक रोड दिख गया हमें और इतना प्यारा लग रहा है ना रोड, जो गोवा का जो रोड है ना, जहाँ पे वो डियर जिंदगी का सीन शूट हुआ था, सेम टू सेम वैसा रोड लग रहा है वो। तो भाई ये रहा वो रोड जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत सही लग रहा है। लेकिन ना अभी यहाँ पर गेट बंद है तो कार अंदर नहीं जा सकती, लेकिन हम लोग अंदर जाके फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है भाई। वैसे तो गाइस ये जो डोर है उसको लॉक नहीं लगाया हुआ है इन्होंने, ओपन ही रखा है, खाली चेन लगा के रखी हुई है। लेकिन अब इन्होंने इतना लगा के रखा हुआ है तो ये लोग चाहते होंगे लोग गाड़ी लेके अंदर ना आए, इसलिए हम लोग कार बाहर ही पार्क कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे चल के अंदर और अंदर जाके फ़ोटोज़ निकालेंगे। कितना प्यारा लग रहा है भाई, प्लेस चेकआउट करो, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है भाई। क्या फ़ोटोज़ आएंगे ना यहाँ पर भाई। जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था, जिस रोड की बात कर रहा था, ये रहा वो रोड और कितना प्यारा लग रहा है भाई, एकदम सेम टू सेम पैरा रोड का कॉपी है, डिट्टो वैसा का वैसा लग रहा है। लेकिन वहाँ पर ना भाई बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पर तो बिल्कुल भीड़ ही नहीं है, मतलब हमारे से यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो बिंदास हम लोग यहाँ पे मस्त मस्त फोटोज़ निकाल सकते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो एक बार, मतलब एकदम लाइन में नारियल के पेड़ है, बीच में से सेम टू सेम रोड है और ऊपर क्लाउड्स, तो एकदम मतलब प्यारा मौसम बना हुआ है, क्लाइमेट प्यारा है आज का भी। तो अभी तो लग रहा है कि बारिश होने वाली है, सुबह से नहीं लग रहा था बारिश होगी, लेकिन अभी थोड़े थोड़े काले बादल दिख रहे हैं। लेकिन आसमान का कलर एकदम नीला है, एकदम ही डार्क नीला है और सफ़ेद सफ़ेद बादल। और ये रोड चेकआउट करो, कितना प्यारा लग रहा है भाई। मतलब यहाँ पर ऐसे मुझे ना रील बनानी थी, यहाँ पर ऐसे बाइक चलाते हुए ये रोड पर और मस्त से कोई मुझे शूट कर रहा है, लेकिन मैं बाइक लेके आया नहीं हूँ। आपको पता है आज इस बार हम लोग कार से आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं बाइक लेके आऊँगा ना तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर ना बाइक चलाते हुए आने का। यहाँ का ना भाई व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी तो हम लोग यहाँ पर ही है और गेस व्हाट, हम लोग कल निकलने वाले गोवा के लिए, तो गोवा में भी इस वाले ऐसे सेम दिखने वाले प्लेस पर वहाँ पर जाएंगे, जो कि इन एक्चुअल में फेमस है और वहाँ पे इतने लोग फोटोज़ निकालते हुए, रील्स निकालते हुए दिख जाते हैं ना। यहाँ पर तो हमारे से कोई नहीं है, तो मस्त अब यहाँ पर फटाफट से रील्स शूट करते हैं, थोड़े से फ़ोटोज़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। और सही लग रहा है यार वाइब है एकदम, और एक्चुअली वैसे ही सेम टू सेम वाइब आ रहा है देख के, इसको सही लग रहा है ना प्लेस। बहुत प्यारा प्लेस है, प्यारी प्लेस में ऐसा लग रहा है ना कि पूरा यहाँ पे पूरा टाइम बैठे रहे, फ्रेंड्स के साथ में चिल करें, एकदम मस्ती करें। और इधर की वाइब एकदम अलग ही वाइब है, एकदम शांत, कोई टेंशन नहीं, कोई भी हमारे से। मेन बात तो यहाँ पर कोई नहीं है, यही सेम हाँ, और मन कर रहा है फोटो निकालते जाओ भाई, हमारा स्टोरेज फुल हो जाएगा, उसका टेंशन होने लग गया है, क्योंकि अभी मुझे आगे और भी 3-4 दिन ब्लॉग्स बनाने हैं और मेरे पास स्टोरेज यूनिट कम है। वैसे तो मैं ऋषि के पास जाके आज डेटा कॉपी कर लिया हूँ, तो थोड़ा टेंशन कम है, बट फिर भी वहाँ जाकर तो और कितनी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है ना, तो डेटा तो और स्टोर करने जगह लगेगी। पर सही है, बहुत सही प्लेस लगी, मज़ा आया यहाँ पर आके। और ये प्लेस पे अगर आना है ना आपको, तो फिर राजेवाड़ी से सीधा आकर आपको राइट साइड में ये प्लेस दिख जाएगा। मेन रोड से आप जाओगे ना तो राइट साइड में आपको दिख जाएगा ये प्लेस। भाई बहुत मज़ा आया यहाँ पर, हमने कुछ रील्स भी शूट करे, तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम पे चेक करना, हमने मस्त मस्त फोटोज़ भी लिया और उनके साथ मेरे मस्त झगड़ा भी किया पोस्ट को लेके क्योंकि ये पोस्ट ही नहीं देती यार सही से। चलो कोई बात नहीं, जो भी था मज़ा आया, हमने मस्त फोटोज़ लिए। यहाँ पर जाके इंस्टा पे फटाफट चेक करो, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। भाई हम लोग पहुँच चुके हैं कुरला डैम पर। सेम टू सेम वाइब है, कितना प्यारा लग रहा है। देखो जंगल ना यहाँ का और भी घना हो गया और भी ग्रीनरी बढ़ चुकी है यहाँ पर। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। गोप्रो में ना लाइट थोड़ी कम कैप्चर होती है, लेकिन ना भाई बहुत स्पूकी फील अभी भी आ रहा है। देखो कैसा क्या लग रहा है भाई, एकदम ज़बरदस्त ना। बहुत सही प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये, और इतना ग्रीन हो चुका है ना। अभी ये मैं आया था यहाँ पर बारिश से पहले, मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज पहले मैं यहाँ पर आया था, लेकिन इतना ग्रीन नहीं था। अभी 3-4 बार बारिश क्या हुई, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर। मतलब अल्टीमेट लेवल पे ग्रीन हो चुका है भाई, क्या लग रहा है यार। और अभी तो भाई 6 बज रहे हैं और अभी अंधेरा बढ़ने लगेगा तो और डरावना सा लगने लगेगा ये। हाँ खाना ये रे अपने आमू मैडम, क्या ढूंढ रही है? आम मिला। अरे ऊपर पेड़ पे है आम, तोड़ उसको। काहे तोड़ू, इतना बड़ा पेड़ है कैसे तोड़ू। उधर भी है, उधर भी है, बहुत सारे आम। ओके ओके, उधर भी है देख। और ये तो बोल रही हो तो ले ना, पर खाया हुआ होगा तो देख देख भाई। ये रहा वो सेम अबेंडेंट हाउस। अभी भी क्या डरावना लगता है इसको देख के। ऐसा पता नहीं क्यों ऐसे इसको छोड़ के चले गए होंगे। वो वहाँ कहाँ जा रही है, यहाँ जाने हमें, यहाँ पर देखा था आम। जाने दे वहाँ पे, जाने दे वो सब। अभी कितने आम जमा करेगी, बहुत सारे। पर कितना पेटियाँ खाऊंगी तुम लोग को दिखेगा। अबे साले जाते समय देखते। चल अभी नीचे नीचे देख, कितना प्यारा व्यू है। यहाँ का पेड़ हटा दिया लगता है किसने। यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था ऐसे गिरा हुआ, हम लोग ऐसे हटा के गए थे, मुझे याद है। अभी भी जस्ट 20 डेज़ में कितना चेंज हो गया, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ गई है यहाँ पे। इतना पास है ना ये मेन सिटी से, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर्स में ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, और इतना सही प्लेस है। यहाँ पर पहले से कुछ लोग आए हुए हैं, उनके बैग और हेलमेट वगैरह। ये व्यू है यहाँ से, कितना प्यारा लग रहा है। वैसे साले मैं भी मारूंगा, तो गिर जाएगा तो कैसे मारेगा मुझे, मैं पहले मारूंगा। कितना सही लग रहा है, एकदम मस्त पानी है, पीछे ग्रीनरी और उसके ऊपर सनलाइट, और पीछे मस्त क्लाउड्स है, नीला नीला स्काई, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ से ये साइड पे पीछे साइड पूरे पहाड़ दिख रहे हैं लाइन में। ब्यूटीफुल लग रहा है प्लेस, और मस्त यहाँ पर ना हवा चलो तो बहुत सही लग रहा है, एकदम रिलैक्सिंग लग रहा है यहाँ पर एक्चुअली में। और यहाँ से नीचे देखो तो भाई डर लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि ये जगह ना खींच रही है नीचे। भाई हम तो यहाँ पर मस्त बैठ के हवा का, व्यू का, नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। आराम से बैठे हुए सबके सब लाइन में। यहाँ पर सामने व्यू कितना प्यारा हो रखा है भाई। मज़ा आ रहा है। 5 मिनट पहले मैं बैठ के व्लॉग बना रहा था, अभी लेट गया हूँ। थोड़ी देर में आपको यहाँ पे चादर लेके दिखूंगा। इतना मस्त हवा चल रहा है ना, मन कर रहा है सो जाओ सच्ची पर। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से सब लोग, और अभी अंधेरा हल्का हल्का होने लग गया। अभी फटाफट चलना है होटल पे, और फिर कल आराम भी करना है आज, क्योंकि कल आपको पता है कि निकलना है हमें गोवा के लिए। बहुत सही प्लेस था, बहुत शांत प्लेस था, एकदम मस्त सुकून मिल रहा था। आराम से हम लोग तो लेट गए थे, मतलब मैं लेटा था, बाकी लोग बैठ के हवा का मस्त फील ले रहे थे। हम लोग निकल रहे रिटर्न अभी यहाँ से, और महाड़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 3-4 किलोमीटर ही दूर है। तो फटाफट से चलते हैं अभी होटल पे, बीच में चाय पीने के लिए रुकेंगे भी। अभी अमू मेरी हेड मसाज कर रही है। भाई हम लोग आ चुके हैं महाड़ में, और अभी यहाँ पर ना रुका हूँ मैं एक्चुअली बिस्लरी लेने के लिए, क्योंकि हमारा पानी ख़त्म हो चुका है। तो अभी यहाँ से बिस्लरी लेते। भाई हम लोग अभी करंटली पहुँचे महाड़ में, तो उधर दड़े के पास, और ये रहा था उधर दड़े जो यहाँ पर है। बीच में बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति है, और साइड में पूरा तालाब है वो। और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं लड़कियाँ देखने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अपना 6 फीट का है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ प्लेस है, मतलब एक गार्डन, यहाँ पर एक हॉल टाइप बोल सकते हो, वैसा सा बना हुआ है, एंट्री है। तो भाई हमने चप्पल वगैरह निकाल लिया, चप्पल निकाल के अंदर आना है। तो कुछ ऐसा प्लेस है यहाँ पर ना, साइड में पूरा तालाब बना हुआ है, और इस प्लेस का नाम है सौदातड़े। पहाड़ में जो है यहाँ भी कह सकते हैं, यहाँ पर आए थे। मतलब फैमिली के लिए भी सही है। हाँ, गंदगी बिल्कुल नहीं है, बहुत सही प्लेस है, बहुत क्लीन प्लेस है और फैमिली के लिए भी अच्छे है और कपल्स तो आकर बैठते ही है। बाकी सही है, प्लेस मस्त है, शांत है एकदम। आज चाय पीने का मन नहीं था, पता नहीं बहुत गर्मी सा होने लग गया था, इसलिए आज कोल्ड कॉफ़ी पिएंगे। आ गया हमारा कोल्ड कॉफ़ी। भाई हम लोग आ चुके हैं रिटर्न होटल। हम तो अपने आम भी लेके आ गई है और उसमें खुश है मस्त से। ठीक है, अभी ना बस होटल आ चुके हैं, अभी बहुत थक चुके हैं, अभी ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं है बिल्कुल। अभी बस घर पे जाके ना फ्रेश वगैरह होके खाना खा के फिर सो जाएंगे गपचुप से। तो इस ब्लॉग को, हाँ बाहर जाना है, तो इस ब्लॉग को अभी ये पे एंड कर दूंगा। मिलूंगा अभी अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कल हम लोग निकलने वाले हैं गोवा के लिए। सो कल का ब्लॉग भी ज़रूर देखना। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा। कल गोवा जाएंगे, अगर अच्छा लगा रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अभी अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।